अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट केक, जो बनाने में बहुत ही ईजी है और किसी भी ओकेजन पे आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं। आज हम इसको एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। इसकी आइसिंग हम करेंगे चॉकलेट गनाश के साथ और विप क्रीम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ, और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए आप मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cookwithmansi.com। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक लिया है, जिसे मैंने हार्ट शेप में बनाया है। चॉकलेट स्पॉन्ज केक की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम केक को थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। इस केक को बनाने के बाद मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था, तो केक अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है। और जब केक ठंडा हो जाता है तो आप इसे बहुत आसानी से इस तरह से कट कर सकते हैं। अब हम इसको सैंडविच कट करेंगे। आप कितनी भी लेयर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसे सैंडविच कट किया है। ये देखिए, और अब हम इसको शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट कर देते हैं। पानी में मैंने थोड़ी सी चीनी मिला ली है। इसके ऊपर हम लगाएंगे व्हिप्ड क्रीम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे पेटल नाइफ यूज़ करते हुए। जितनी भी फ्रॉस्टिंग आज इस केक में हम यूज़ करेंगे, फिर चाहे तो वो चॉकलेट गनाश हो या व्हिप्ड क्रीम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हो, वो सभी की रेसिपी मैंने एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि ये सभी फ्रॉस्टिंग हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं। केक के ऊपर मैंने इसकी फाइनल लेयर रख दी है और इसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। साइड्स को भी हम कवर कर लेते हैं। केक को हमने क्रीम के साथ अच्छी तरह से फ्रॉस्ट कर दिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर डिज़ाइन भी देंगे। अब हम साइड स्क्रेपर यूज़ करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन देंगे। साइड से ये डिज़ाइन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये केक के ऊपर हमने डिज़ाइन दे दिया है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट बाद केक को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और इसकी क्रीम की लेयर अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ये वनीला फ्लेवर व्हिपिंग क्रीम ली है। क्रीम घर पे किस तरह से व्हिप कर सकते हैं, इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसको मैंने जिप लॉक बैग में भर लिया है। इस तरह से हमें इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए। और इसी तरह से चॉकलेट क्रीम की भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको भी मैंने आइसिंग बैग में भर लिया है। और इसी तरह से हम गनाश की भी एक लाइन लगाएंगे। इन सभी आइसिंग का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से हम इस पैटर्न को ड्रॉ करते रहेंगे। ये सभी लाइंस हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर ली हैं। अब हम एक टूथपिक लेंगे, आप चाहें तो नाइफ भी ले सकते हैं, और इसको हमें कुछ इस तरह से कट करना है। ये देखिए,
थोड़े थोड़े गैप पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा एक डिजाइन बन गया है। अब हम केक को बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए भी मैंने यहाँ पे गनाश यूज़ किया है और इससे हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। आप जो भी डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे केक को इस तरह से बॉर्डर नहीं देना चाहते तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हुए सिर्फ यहाँ पे चॉकलेट चिप्स यूज़ कर सकते हैं। आप साइड में इस तरह से यहाँ पे चॉकलेट चिप्स लगा दें या फिर आप चॉकलेट को ग्रेट करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम ऊपर भी डिज़ाइन बना देते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ली है। जो बीच में थोड़ा सा गैप रह गया है उसको भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हुए फिल कर देते हैं। केक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट चिप्स। और थोड़े से ही हम यूज करेंगे व्हाइट चॉकलेट चिप्स। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे गोल्डन बॉल्स, इससे देखने में केक और अच्छा लगने लगेगा। केक को अब कट करके भी देख लेते हैं और ये देखिए एगलेस चॉकलेट केक बन के रेडी है, जिसकी आइसिंग हमने चॉकलेट गनाश और व्हिप क्रीम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ की है। और केक देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, स्पेशली बच्चों को। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर पे ट्राई करें और आपके जो भी एक्सपीरियंस हो वो आप मेरे साथ शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे साथ ये भी शेयर कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.